इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। एक दिन में तो नहीं खड़ी हुई होगी शायद। सोहना रोड पर बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर डीटीपी आरएस भाट डीटीपी विभाग कब पहुँचेगा? गुरुग्राम में आज एक बार फिर से तोड़फोड़ जो है वो शुरू हो गई है, और इसी के तहत जो है जहाँ हाल ही में गुरुग्राम में जितनी भी ग्रीन बेल्ट थी उन पर जितनी भी नर्सरियाँ थी उनको खाली कराया गया, तोड़फोड़ जो है वहाँ पर की गई। कई ऐसी जगहें भी जहाँ पर जो अनऑथराइज कट थे उनको बंद किया गया। हालांकि जो जीएमडी वो था उसकी तरफ से लगातार ग्रीन बेल्ट पर कार्रवाई की जा रही थी, और कार्रवाई कौन कर रहा था? कार्रवाई कर रहा था गुरुग्राम का अधिकारी जिसको सिंघम कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम से डीटीपी है आरएस भाट की, और एक बार फिर से गुरुग्राम में डीटीपी आरएस भाट की जो है वो वापसी हो गई है, और ग्रीन बेल्ट के बाद अब एक बार फिर से जो डीटीपी आरएस भाट है वो मकानों को तोड़ने के लिए यहाँ पर अपने दस्ते के साथ आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो की जा रही है, और यहाँ ये चार चार मंजिल की जितनी भी इमारतें हैं इनको तोड़ा जा रहा है, और खुद डीटीपी आरएस भाट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आदेश दे रहे हैं कि बिल्कुल इनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पर तोड़ा जाए। अपने दस्ते के साथ पीले पंजे के साथ यहाँ पर डीटीपी आरएस भाट जो है वो मौजूद हैं, और पुलिस दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए चार मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है, और इसी चार मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए यहाँ खुद डीटीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर से बात करते हैं, सर ग्रीन बेल्ट के बाद आज आपने फिर मकानों की तरफ, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जाना ही इसीलिए जाता था, बिल्डर तो मतलब आपको देख के भागते थे, और आज फिर वही दिन आया। देखिए ऐसे सरस्वती कुंज जो एरिया है इसका एक बोर्ड बन रखा है, उस बोर्ड के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम है। ये एक सोसाइटी थी, उन्होंने अपना जो हैंडओवर कर दी, और उसके बाद जो है डीसी साहब इसकी देखरेख कर रहे हैं। इसका झगड़ा बहुत देर से चल रहा है, सरकार ने शर्मा कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसकी भी एक रिपोर्ट बनी थी, तो उसमें हमने एक प्लॉट तीन तीन बार लोगों को अलॉट हो रखा है, तो कोई भी बंदा बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। नॉन जेन्युइन मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जेन्युइन मेंबर को भी पहले अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी फिर ही बना सकता है। तो ये और ऑल द इसमें ये भी है कि बहुत सारी ज़मीन के ऊपर सरस्वती कुंज पर लगभग 10,000 झुग्गी बनी होगी, उससे भी लोग लोकल किराया उठा रहे हैं, उसमें से 5 से 7 एकड़ सरकारी ज़मीन है, तो वो भी हम खाली करवाएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा हमें कोई किसी को भी किसी का नुकसान करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन लॉ जितना हमारे ऊपर एप्लीकेबल है हम फॉलो करवाते हैं तो लोगों को भी करना चाहिए, तो वो लॉ फॉलो करें, जेन्युइन मेंबर हैं वो डीसी साहब के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, कोई उसका हल निकालें, हल निकाल के इस सोसाइटी को एक अच्छा बनाएं, अच्छे बनाने में हम उनके साथ हैं। सर ये देखिए चार मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है, एक दिन में तो नहीं खड़ी हुई होगी शायद? देखिए इन्होंने पहले भी डीटीपी एनफोर्समेंट के तौर पर मनीष यादव जी ने पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन क्योंकि गुरुग्राम का एरिया बहुत ज़्यादा है तो वो इलीगल कॉलोनीज़ के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती कुंज में अब मैं और मनीष जी दोनों, मनीष यादव जी और मैं, इस सरस्वती कुंज के ऊपर निगरानी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी अवैध कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हाई लेवल पर या 2-3 मंजिल पर ना पहुँचे। अगर पहुँचेगी देखो नुकसान भी नहीं क्या, तो भाई हम तो उनको कह सकते हैं कि आप अवैध ना करो, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, तोड़फोड़ करने के बाद अगर वो रिस्क ले रहे हैं, अब पता नहीं क्यों रिस्क ले रहे हैं, तो वो रिस्क तो आज ख़त्म हो जाएगा इनका। एक रिस्क सोहना वासियों, आप जब भी जाते थे मतलब पुरानी अगर तस्वीरें देखें सोशल मीडिया पर हमेशा आप छाए रहते थे और टेलीविजन स्क्रीन्स पर छाए रहते थे, क्योंकि सोहना रोड पर बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर डीटीपी आरएस भाट डीटीपी विभाग कब पहुँचेगा? देखिए वो डीटीपी मनीष यादव जी एज डीटीपी एनफोर्समेंट सोहना में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि गुरुग्राम में आ गया हूँ, देखिए वो मेरे कुलीग हैं, हम आपस में चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं चलता। सपोज़ करो मनीष जी राउंड लगाएं कहीं भी गुड़गांव में और वो जीएमडीए की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मनीष जी मुझे बताएंगे, अगर मुझे लगता है कि सोहना में कोई कंस्ट्रक्शन चलती है मैं मनीष जी को असिस्ट करूँगा, तो भाई एक अच्छे अधिकारी सारे कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो ही गुड़गांव को हम अच्छा बना सकते। ये थे हमारे साथ डीजीपी आरएस भाट जी, ने बताया कि बिल्कुल अब बिल्कुल आपसी तालमेल के साथ जो है वो काम किया जाएगा, किया जा रहा ही है, और यहाँ पर जैसे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ ये जो चार मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है और ये सरस्वती कुंज भी बनाई गई है। आपको बता दूँ कि सरस्वती कुंज में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना जो है वो
इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डिस्प्यूट है और इसी डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पर सरकारी अधिकारियों से जो है परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन के बगैर यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर की जा रही थी।